हाय फ्रेंड्स, दिस इज अशरफ फ्रॉम जागुआर ऑटोट्रॉनिक्स। आज हमारा एक्सॉर्स में बहुत बढ़िया अपडेट आया है। ID 47 बोलेरो का चिप जनरेशन आया है। अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना पड़ेगा ओरिजिनल चिप लेने के लिए। अभी तो आपको मिलेगा इसमें हमारा जो सुपर चिप में ID 47 भी जनरेट होगा। उसको मैं कैसा करना है आपको इसमें वीडियो बता रहा हूँ। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा एक्सॉर्स ऐप है, मामूल से चिप जनरेट कर रहे ना वही तरीका से। महिंद्रा में ID 47 में जाएंगे। ID 47 में देखो ये वाला नया फंक्शन आया है, महिंद्रा बोलेरो का ID 47 है। महिंद्रा बोलेरो का ID 47 इधर ही आया है। इसको मैं आपको जनरेट करके भी बताता हूँ, लेटर मैं क्या कर रहा हूँ आपको इसमें काम करके भी बता रहा हूँ। गाड़ी पे इसमें जनरेट करेंगे। ये हमारा VVDI मैक्स में खाली नहीं है, हमारा जो VVDI मिनी में भी आ गया, कंप्लीट कर दिए। इसको रीड करके बताता हूँ, एक मिनट। रीड कर लिया। अभी देखो इसमें अनलॉक क्लोनेबल भी आ रहा है। ये क्लोनेबल ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ गाड़ी आए बाद में। अनलॉक में स्टेट में है, अभी क्लोनेबल भी आया। अभी ये है हमारा जो NXP का ओरिजिनल चिप है, ये हमारा ओरिजिनल बोलेरो ID 47 है। इसको भी मैं रीड करके बताता हूँ। ये देखो ये भी अनलॉक में है, ये भी क्लोनेबल है। इसको क्लोन कर सकते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन क्लोनेबल ऑप्शन रहा तो बहुत बढ़िया अपडेट है वाला। गाड़ी आए बाद में हमारा सुपर चिप में जनरेट हो गया। अभी गाड़ी आए बाद में सेम चिप है हमारा, PCF 97938 है ओरिजिनल का। ये हमारा सुपर चिप है, इसको भी मैं आपको जनरेट करके बताता हूँ। इसको भी रीड कर दिए, PCF 7938XE है। ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये हमारा की टूल मैक्स और VVDI मिनी सारे डिवाइस में भी यही अपडेट मिलेगा आपको। ID 47 देखो, महिंद्रा बोलेरो इधर भी आ गया। अभी ये ऑप्शन गाड़ी पे कैसा काम कर रहा है मैं आपको चेक करके दूसरे वीडियो में बताता हूँ। अभी ओरिजिनल चिप में भी काम करवाता हूँ और सुपर चिप में भी काम करवा के बताता हूँ। कंटिन्यूस चैनल को बहुत सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।